नामदार के ये खास अमेरिका से आए हुए, उनके गुरु ने कहा है कि 84 में जो हुआ वो हुआ, हुआ तो हुआ, ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, कांग्रेस के अहंकार को दिखाता है। साथियों, आज मैं बठिंडा से पूरे पंजाब की तरफ से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वे कब तक वो इसी तरह हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती रहेगी। भाइयों और बहनों, मैं देख रहा था कि नामदार ने अब अपने गुरु को कहा है कि जो कुछ गुरु ने कहा उस पर उन्हें शर्मानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर नामदार, आपने गुरु को किस बात के लिए डांटने का दिखावा कर रहे हो? क्या इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस के दिल में हमेशा था, नामदार परिवार की चर्चाओं में हमेशा था, वो नामदार के गुरु ने सार्वजनिक रूप से वो राज खुला कर दिया, क्या उसके लिए आप उनको डांट रहे हो? क्या क्या नामदार के गुरु को घर की बात बाहर बताने के लिए डांटा जा रहा है? अरे नामदार, शर्म आपको आनी चाहिए। 1984 के सिख दंगों को आज 35 साल हो गए हैं। कांग्रेस की करतूतों की वजह से आज तक इन दंगा पीड़ितों को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। इंसाफ के नाम पर कांग्रेस वाले कमेटी बनाते गए, कमीशन बनाते गए, इतने गंभीर मामले को रफा दफा करते रहे। इतना ही नहीं, गंभीर आरोप वालों को कांग्रेस ने केंद्र में मंत्री भी बनाया, गंभीर आरोप वालों को चुनाव की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, पंजाब का प्रभारी बनाया गया। जब इसकी आलोचना हुई, पंजाब में जबरदस्त विरोध हुआ और कांग्रेस की नैया डूबने लगी, तो फिर उनको पंजाब से प्रभारी से हटाने का ड्रामा किया। लेकिन फिर आपने क्या किया? सारी आपत्तियों को नजरअंदाज किया, पंजाब की भावनाओं का अपमान करके आपने उसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। नामदार, शर्म आपको आनी चाहिए। और भाइयों और बहनों, मैं देश के लोगों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि नामदार जब अपने दरबारियों को डांटते हैं, उन्हें शर्म की याद दिलाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं उदाहरण बताता हूं। एक वर्ष पूर्व गुजरात का मैं चुनाव था, उस चुनाव के समय उनके परिवार के खासम खास और उनके बीए वो सलाहकार है और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बड़बोले भी है। गुजरात के चुनाव के दिनों में उन्होंने मेरे लिए अपशब्द बोले, मुझे नीच कहा और गुजरात में लोगों का पारा गर्म हो गया।
जब पारा गुजरात का गर्म हो गया तो सारे कांग्रेस वाले इधर उधर भागने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो कांग्रेस को बचाने के लिए, दिखावे के लिए उन्होंने ड्रामा किया, उनको पार्टी से निकाल दिया। और फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद उस करीबी व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ, पूरी बेशर्मी के साथ पार्टी में फिर से स्थान दे दिया। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, नामदार, शर्म आपको आनी चाहिए। हुआ तो हुआ,